हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय बाहुरिया। आज की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप कोई भी इलेक्ट्रिक गीजर परचेज करते हैं जिसको हम बिजली वाला गीजर बोलते हैं, तो आपको कौन से टैंक वाला परचेज करना चाहिए। मार्केट में आपको दो प्रकार के टैंक वाला ही गीजर देखने को मिलेगा, परंतु आपको पता नहीं होता। आप ओनली लुक वाइज पसंद कर लेते हैं या फिर लीटर वाइज सिलेक्ट कर लेते हैं और आप गीजर परचेज कर लेते हैं, परंतु सबसे मेन इसके अंदर टैंक ही होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब भी कोई गीजर परचेज करते हैं तो आपको कौन से टैंक वाला गीजर परचेज करना चाहिए। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लें। इलेक्ट्रिक जो गीजर होता है उसके अंदर दो प्रकार का टैंक ही आता है, स्टेनलेस स्टील का और दूसरा आता है ग्लास लाइन सीरीज का। कुछ समय पहले कॉपर के टैंक के अंदर भी इलेक्ट्रिक गीजर आते थे, परंतु आजकल आपको मार्केट के अंदर दो प्रकार के टैंक वाला ही गीजर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। स्टेनलेस स्टील का जो टैंक होता है वह ओनली स्टील का बना होता है। ग्लास लाइन सीरीज का जो टैंक होता है, जो उसकी बॉडी होती है टैंक की, वह स्टेनलेस स्टील की होती है, परंतु अंदर की तरफ कोटिंग की होती है, जिसको हम ग्लास की कोटिंग बोलते हैं, और किसी नाम से भी कोटिंग हो सकती है, परंतु होता है इसी तरह से। अंदर की तरफ जो कोटिंग होती है उसको हम ग्लास लाइन सीरीज का टैंक ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितनी ऊंचाई से यह पानी को सहन कर सकते हैं। स्टील का जो टैंक होता है वह सिर्फ ओनली 2 या 3 मंजिल ऊंचाई से जो पानी होता है उसको ही सहन कर पाते हैं, और ज्यादा प्रेशर से पानी आता है तो उस समय इनका जो टैंक होता है फटने का डर रहता है। परंतु जो ग्लास लाइन सीरीज वाले जो टैंक होते हैं वह मल्टी स्टोरी के ऊपर भी कार्य करते हैं, यानी कि 40 मंजिल ऊपर से पानी आ रहा हो, प्रेशर से पानी आ रहा हो, तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, टैंक फटने की कोई दिक्कत नहीं आती, और कंपनी इस चीज की गारंटी भी देती है कि टैंक नहीं फटेगा। यानी कि जहां पर ज्यादा स्टोरी होती है, यानी कि 50 मंजिल ऊपर से आना, कहीं पर 10 मंजिल ऊपर से आना, तो वहां पर ग्लास लाइन सीरीज वाला ही गीजर उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पानी गर्म करने की क्षमता। यह भी एक बहुत ही मेन पॉइंट है। स्टील का टैंक होता है उसके अंदर, जैसे कि हम मानते हैं कि हमने 25 लीटर का पानी वह स्टोक किया हो, उसको हमने गर्म कर लिया है, तो वह 1 घंटे पानी गर्म रहता है। तो ग्लास लाइन सीरीज वाला जो गीजर होता है उसके अंदर उससे डबल, यानी कि 2 घंटे तक पानी गर्म रह सकता है। उससे अगला जो पॉइंट यह है कि जो स्टील वाला जो टैंक होता है उसके अंदर आपको ज्यादा फीचर्स गीजर के अंदर नहीं मिलते हैं, परंतु जो ग्लास लाइन सीरीज का टैंक होता है उस गीजर के अंदर आपको अनेक प्रकार के फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि खारा पानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा जो रोड वगैरह होती है उसके ऊपर सोरा नहीं जमता है, इस तरह से, यानी कि टेम्परेचर सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, इस तरह से आपको अनेक फंक्शन भी मिल जाते हैं। प्राइस के डिफरेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्टील के टैंक वाला हम मान लेते हैं कोई 25 लीटर का गीजर परचेज करते हैं तो दोस्तों वह आपको मान लो 4000 रुपए का मिल रहा है। यदि आप ग्लास लाइन सीरीज का कोई गीजर परचेज करेंगे तो वह आपको 5000 रुपए का मिल जाए, यानी कि इनके रेट के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो दोस्तों जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो आपको गीजर परचेज करना चाहिए ग्लास लाइन सीरीज वाला ही इलेक्ट्रिक गीजर परचेज करना चाहिए, जो कि अच्छी क्वालिटी का माना जाता है और सभी फायदे हमें उसके अंदर मिल भी जाते हैं। तो दोस्तों अलग अलग कंपनी के हिसाब से जो प्राइस के अंदर जो डिफरेंस है वह कम ज्यादा भी हो सकता है, मान लो लगभग इससे कम ही मिलेगा, यानी कि 400-500 रुपए में किसी में डिफरेंस होता, किसी में 700 रुपए का डिफरेंस होता, नॉर्मल यही डिफरेंस रहता है। तो दोस्तों एक बात और होती है, गारंटी की हम बात करते हैं। स्टील का जो टैंक होता है उसकी हम गारंटी बात करेंगे गीजर की, तो आपको नॉर्मल ही 2 साल, 3 साल या 5 साल मिल जाएगी, परंतु जो ग्लास लाइन वाले जो गीजर होते हैं उनकी जो वारंटी है तो कंपनी उनकी गारंटी भी ज्यादा देती है, यानी कि 5 साल कंप्लीट की 7 साल अंदर के टैंक, इस तरह से गारंटी के अंदर भी आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आपको सोचना कि आपको कौन से टैंक वाला गीजर परचेज करना है। मार्केट में आपको दो प्रकार के टैंक वाला ही गीजर मिलेगा, तो जब भी आप किसी दुकान के ऊपर जाते हैं तो आप उनसे ये बात पूछ भी सकते हैं। यदि दुकानदार को क्लियर पता हुआ तो आपको एकदम अच्छे से सब कुछ समझा भी देगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर।